पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में सोनकपुर रेलवे लाइन के पास जंगल में युवक का सिर कटा अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर एसएसपी हेमराज मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसएसपी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे सोनकपुर पुल के पास रेलवे ट्रैक के पास जंगल में गड्ढे में अधजली सरकटी लाश की जानकारी मिली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूचना मिलने पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिविल लाइन्स, थाना प्रभारी सिविल लाइन्स गजेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस बल मौके से सबूत जुटाने के साथ मृतक की पहचान में जुटी हुई है। देखिए, सुबह करीब 10 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि थाना सिविल लाइन में जो सोनकपुर पुलिया है रेलवे लाइन वाली, इसके पास में खेतों के बीच में गड्ढा है, वहाँ पे एक डेड बॉडी अधजली हालत में मिली है और इसका जो सिर है वो भी नहीं है। इस पे तत्काल थाना सिविल लाइन की टीम और सीओ सिविल लाइन एसपी सिटी साहब और मेरे द्वारा आके यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड है, इनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक जो व्यक्ति है उसकी पहचान नहीं हुई है, उसका पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें जो भी पहचान होगी उसी के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।